हेलो वन, सो वेलकम बैक टू द स्प्रिंट सेशन। तो आज बच्चों, आज हम टॉपिक नेक्स्ट कवर करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग वैसे तो बहुत सारे बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा है, फंडामेंटल भी बहुत ज़्यादा है इसमें, और इसमें मैक्सिमम बच्चों को पढ़ने में मज़ा आता है, क्योंकि इसमें आपको रटना नहीं पड़ता, चीज़ें आपको समझ आती हैं, आप काफ़ी कुछ ड्रॉ करते हो, और इट इज़ द बेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम स्प्रिंट सेशन में बेटा केमिकल बॉन्डिंग के कुछ अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, ताकि एक ओवरऑल आइडिया आपको मिले कि आपको ओवरऑल केमिकल बॉन्डिंग कितने अच्छे से आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है तो कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, अगर आता है तो आपको मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मुझे आता है। फाइन, तो जो बच्चे आज सेशन में आ चुके हैं, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आए। एंड और क्या करना है, मोहल्ले में हल्ला करना जरूरी है, तो अभी के अभी सभी जगह शेयर कर दीजिए। और बाकी आपको बताइए कि अनअकैडमी जे यूट्यूब चैनल इज द बेस्ट चैनल फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि आपको विद द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, राइट। और अनअकैडमी इट इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, और धीरे धीरे ये दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बनने वाला है, एंड आप लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें सबसे ज्यादा है, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड अब IIT JEE का बेटा सब्सक्रिप्शन इट स्टार्ट एट 1625 पर मंथ। यस, IIT JEE की प्रिपरेशन घर बैठ के विल ऑल दीज फैसिलिटीज आप सिर्फ 1600 रुपए पर मंथ पे कर सकते हो। तो यूज द कोड PT LIFE जब भी आपका सब्सक्राइब करने का डिसीजन है, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, अनअकैडमी पे आना चाहते हो प्लस प्लेटफॉर्म पे, तो जल्दी से जल्दी आ जाओ। चलिए गाइज, तो लेट स्टार्ट द जर्नी। एक क्रिस्प सेशन रखेंगे, जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन को समझते हो, सॉल्व करते चले। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन दैट इज पोलर एंड हैज सेंट्रल एटम विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज। तो एक काम करते हैं, आप भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, मैं भी सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, क्योंकि जो होशियार बच्चे हैं वो तो विद इन 20 सेकंड, इसका 20 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, उन्होंने अब तक आंसर दे भी दिया होगा, राइट। तो सेंट्रल एटम बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। H2CO3 का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो दैट इज सेंट्रल एटम जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज है, यहां पे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। अगर मैं SiF4 की बात करूं, ठीक है, SiF4, तो क्या होगा भाई यहां पे SiF4 में, यस दिस इज सिलिकॉन के पास चार ही इलेक्ट्रॉन थे, चार बॉन्ड बना दिए, तो ऑब्वियसली बात है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। तो यहां पर तो आपका sp3 है, पहले वाले में आपके पास sp2 था। bf3 की बात करें, बोरॉन के पास तीन इलेक्ट्रॉन थे, तीन बॉन्ड बना दिए, तो वहां पर sp2 है। और HClO2 की अगर आप बात करोगे, राइट, तो HClO2 में क्या है, एक OH और एक Cl डबल बॉन्ड O, तो क्लोरीन के पास जो सात इलेक्ट्रॉन थे, तीन, ये दो लोन पेयर हैं, दो सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी आपका sp3 है। तो यहां पर अगर आप आंसर देखेंगे तो दो ऑप्शन आपको आ रही है, तो मुझे लगता है शायद ये SiF4 की जगह SF4 लिखना चाहते थे, है ना, तो मे भी वहां पर हो सकता है ये आपका टाइपिंग एरर आ गया हो। बट अगर पूछा ही गया कि sp3 वाले कौन है, तो हमें पता है भाई SiF4 और HClO2 में दोनों में जो सेंट्रल एटम है वो आपका sp3 क्या है। ओके वन थिंग, ओके वन दैट इज पोलर ऑल्सो, यस यस यस, ये तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं। हाँ, बात पोलर की भी पूछी गई ना, SiF4 तो ओवरऑल नॉन पोलर है, क्योंकि चारों बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट आपस में कैंसल आउट हो जा रही है, पर HClO2 आपका पोलर है, यस। तो मतलब क्वेश्चन सही है, मेरे पढ़ने में जल्दबाजी में गलती हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आता ही है, काफी आसान है, राइट, मैक्सिमम बच्चे इसको कवर कर लेते हैं बहुत जल्दी, बच्चों को रटा होता है ये वाला पर्टिकल। तो देखिए, N2 का बेटा बॉन्ड ऑर्डर जितना हाई होगा, बॉन्ड उतना छोटा होगा, स्ट्रांग होगा। तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बेटा N2 का बॉन्ड ऑर्डर है 3, और N2 पॉजिटिव का कितना है बेटा 2.5, जबकि O2 का कितना है 2, और O2 पॉजिटिव का कितना है 2.5। तो मतलब N2 का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है तो छोटा है, छोटा है स्ट्रांग है तो डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा ही होगी। तो यस, N2 हैज ग्रेटर डिसोसिएशन एनर्जी देन N2 पॉजिटिव, यस, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ज्यादा डिसोसिएशन एनर्जी। O2 का लोअर डिसोसिएशन एनर्जी देन O2 पॉजिटिव, क्योंकि O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है तो उसकी डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी और O2 की कम आएगी, तो यह भी सही है। बॉन्ड लेंथ इन N2 पॉजिटिव इज लेस,
इसका बॉन्ड लेंथ लेस होगा कि मोर होगा? बॉन्ड ऑर्डर कम है, है ना, बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लंबा होगा. तो सी इज इनकरेक्ट. बॉन्ड लेंथ इन एनओ पॉजिटिव इज लेस देन इन एनओ, ये भी आप अगेन वही क्या करना है आपको, एनओ पॉजिटिव बेटा एनओ पॉजिटिव इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद एन टू, तो आप एनओ पॉजिटिव और एन टू दोनों का बॉन्ड ऑर्डर थ्री है, तो एनओ का कितना हो जाएगा 2.5. तो एनओ पॉजिटिव अगर थ्री है तो उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, राइट. तो एनओ पॉजिटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर इज थ्री और एनओ के लिए इट इज 2.5. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, टू एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. तो कौन सा ऑक्साइड भाई यहां पर हमारा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है? अगेन आई थिंक मैक्सिमम बच्चों ने आंसर देखते ही बता दिया. तो बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे अच्छी बात क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे मजेदार पॉइंट ये है कि अगर आपको चीजें आती हैं तो डायरेक्टली देखते ही आप जानते हैं इसका आंसर क्या है, नहीं आती हैं तो आगे निकलिए. व्हाई टू वेस्ट टाइम, क्योंकि वहां सॉल्व करके कुछ न्यूमेरिकली सॉल्व करके तो निकलने वाला नहीं है मैक्सिमम टॉपिक्स में. तो ये फायदा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपका टाइम बर्बाद नहीं करेगी. अगर आता है तो बहुत जल्दी नंबर मिलेंगे, नहीं आता तो बहुत जल्दी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे, राइट. देखिए तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको पता है, इसमें किसी के भी पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए और ऑक्सीजन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, दो को बॉन्ड बनाने के लिए यूज किया, बाकी दो को उसने, मतलब दो बाकी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए. SO2 में भी सारे पेयर हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर में है. ClO2 की अगर हम बात करें तो ClO2 में क्या है, ClO2 का क्या है, क्लोरीन के पास बेटा टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है. तो अगर वो दो ऑक्सीजन के साथ दो पाई बॉन्ड बना भी ले, दो डबल बॉन्ड बना भी ले, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 5 6, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया ना यहाँ पे, राइट. तो ClO2 हैज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये पैरामैग्नेटिक है. जबकि SiO2 की आप बात करोगे तो SiO2 एक आपको 3D स्ट्रक्चर देता है सिलिका का, पता है ना आपको 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से सिलिका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला सॉलिड है, राइट. तो सिलिका में क्या होता है, वन सिलिकॉन इज बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन. ये तो चलिए अभी मैं सिंपल ड्रॉ कर रहा हूँ, वैसे एक टेट्राहेड्रल होता है, फिर वो ऑक्सीजन आगे सिलिकॉन से कनेक्टेड होगी, राइट. तो इस तरह का एक इन्फानाइट अरेंजमेंट बना होता है सिलिका में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बी एटम्स आर इन sp2, मतलब बोरॉन, बोरॉन एटम्स आर इन sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स. चलिए 20 सेकंड्स का इंतजार करते हैं, देखते 20 सेकंड के अंदर कौन बच्चा सबसे जल्दी आंसर देता है. और अगर आप लोगों को समझ आ रहा है, जल्दी से आपका क्रिस्प तरीके से रिवीजन हो रहा है, हिट द लाइक बटन, अभी कभी लाइक करो, शेयर करो, शेयर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो बाकी बच्चों तक ये बेनिफिट कैसे जाएगा. ये जो अनअकैडमी ने अनअकैडमी जेई चैनल पे रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है, ये बच्चों ये रेवोल्यूशन सब तक पहुंचना चाहिए ना. जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं, जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, महंगे चीज़ें या रिसोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ के लिए है ना अनअकैडमी जेई, राइट. देखिए बेटा, अगर आप बोरेक्स का स्ट्रक्चर देखोगे तो बोरेक्स के स्ट्रक्चर का सेंट्रल पार्ट क्या होता है, टेट्रा बोरेट आयन B4O5OH4, राइट. देखिए तो दैट इज लाइक दिस, ये हो जाएगा, ठीक है. ये तो आ गया B4O4. देखिए चार B हैं, चार O हैं, B4O5 के लिए एक ऑक्सीजन के साथ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा और हर एक B के ऊपर, बोरोन के ऊपर एक OH ग्रुप लगा हुआ है. ये आपका टेट्रा बोरेट आयन, ओके. ओवरऑल इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है. तो इस टेट्रा बोरेट आयन में अगर हम इन दो बोरॉन को देखें जो ब्रिज के थ्रू यहां पर कनेक्टेड हैं, ये दो बेटा चार चार बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये जो दो बोरॉन हैं ये आपके sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, जबकि ये वाला जो बोरॉन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि इसे तीन बॉन्ड बना रहा है. तो चार में से दो बोरॉन sp3 हैं और दो बोरॉन sp2 हैं. डाइबोरेन में क्या है, ऑलमोस्ट दोनों के पास sp3 कैरेक्टर है. बोरेजोल क्या होता है, sp2 ही है. बोरेजोल इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, B3N3H6. What is borazole? तो alternate position पे boron nitrogen, ठीक है. Like benzene, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond. तो nitrogen क्योंकि donate करेगा boron को, क्योंकि nitrogen के पास एक pair of electron होता था, boron के पास तो बेचारे तीन ही bond होते हैं, right? तो हर एक atom पे एक एक hydrogen तो लगा ही हुआ है, B3N3H6. तो इट इज आइसोस्ट्रक्चरल विद बेंजीन, बट बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसमें पोलैरिटी काफी है,
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बोरोन के ऊपर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. तो पोलैरिटी होने की वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से, अदरवाइज आइसोस्ट्रक्चरल है, बेंजीन जैसा ही है. तो इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, बोरेजोल को. फाइन, चलिए नेक्स्ट वन. एज्यूमिंग 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, तो जिन बच्चों को बेटा 2s2p मिक्सिंग का आइडिया नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर देख लेना, पूरा चैप्टर पढ़ाया डिटेल में, बहुत अच्छे से sp मिक्सिंग पढ़ाई गई है उसमें. तो अज्यूम करते हैं कि अगर 2s और 2p मिक्सिंग जो होती है वो ऑपरेट नहीं कर रही है, तब पैरामैग्नेटिक करेक्टर किस स्पीशीज का आएगा? जरा जल्दी से सॉल्व कीजिए, मुझे ये भी बताइए कि 2s2p मिक्सिंग होती क्या है, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं. आपने एक चीज पढ़ोगी जब हम MOT में सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 वो पूरा आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, राइट? तो अप टू नाइट्रोजन हम एक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑर्डर फॉलो करते हैं, एनर्जी का ऑर्डर, और आफ्टर नाइट्रोजन हम डिफरेंट फॉलो करते हैं. तो हम क्या बोलते हैं कि जो लाइट वेट एटम्स हैं, है ना, अप टू नाइट्रोजन, उनमें एस और मतलब 2s और 2p ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो बड़ी क्लोज होती है, इसलिए वहां पर हो जाती है sp मिक्सिंग. तो sp मिक्सिंग की वजह से जो ऑर्डर नॉर्मल अगर आप देखेंगे, ऑक्सीजन ऑनवर्ड्स आप नॉर्मली क्या यूज करते थे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz, जेड ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, वो जस्ट ये बता रहा है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो, 2pz2, फिर पाई 2px, पाई 2py, है ना, इस तरह से चलता था. यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये चलिए आगे और जाने की जरूरत नहीं है. O2 ऑनवर्ड्स ये था, O2 के पीछे क्या था, O2 के पहले ये था कि ये आपका सिग्मा 2pz जो है ना, और ये पाई वाले, ये आपस में इंटरचेंज कर जाते थे, राइट? यही होता था, यस. तो ये तब होता था जब sp मिक्सिंग हो रही थी. अब अगर sp मिक्सिंग नहीं हो रही है तो यही ऑर्डर सबके लिए फॉलो होगा, सबके लिए. तो अगर यही ऑर्डर बेटा सबके लिए फॉलो करना है तो आप देख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 10 तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अप टू 10 इलेक्ट्रॉन्स तो वो आराम से पेयर कर जाएंगे, सिंगल नहीं बचेगा. तो BE2 में बेटा कितने हैं, 8, B2 के पास कितने हैं, 10. तो 8 और 10, देखिए 8 कैसे आएंगे, 2, 4, 6, 8, कोई अनपेड नहीं बचा. 10 कैसे आ जाएंगे, ये टोटल आपके 10 हो गए. हाँ, C2 में कितने हैं, 12. तो ये जो 10 आने के बाद, ये पाई 2px और पाई 2y दोनों सेम और एनर्जी पे हैं, तो एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा. तो 10 के बाद जो अगले दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एक करके जाएंगे, 11, 12, फिर आगे दो आएंगे 13 और 14, राइट? इस तरह से. तो N2 में जो 14 इलेक्ट्रॉन्स है वो फिर सारे पेयर हो जाएंगे, बट C2 में पेयरिंग नहीं हो पाएगी. तो इस केस में C2 आपका पैरामैग्नेटिक स्पीशीज हो गया विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोवाइडेड 2s2p मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं थी, डन. अदरवाइज नॉर्मली C2 पैरामैग्नेटिक होता क्या, नहीं, क्योंकि नॉर्मली ये आपका आगे चला जाता है, ये पीछे आ जाता है. तो 2, 4, 6, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, तो उसमें सारे पेयर हो जाते थे जब sp मिक्सिंग ऑपरेट कर रही थी, तो सारे पेयर हो जा रहे थे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज्ड. अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है ये. तो किस आयनाइजेशन प्रोसेस में बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ा है और मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज हुआ है? तो देख लें जल्दी से इन सब के बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या है. बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने, ट्रिक क्या थी, याद है किसी को? जब इलेक्ट्रॉन्स 8 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना था आपके पास, कितना था, याद है? एनी आइडिया? अच्छा, कितने बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग का जो पूरा लेक्चर है वो देखा हुआ है? आई थिंक अभी ट्रिक की बात नहीं करते, ठीक है? फिर आप बोलोगे सर थ्योरी पे आगे भी अपने को क्रिस्प फैशन रखना है. तो बच्चों मैंने वो ट्रिक बताई हुई है केमिकल बॉन्डिंग के सेशन में, तो आप वहां पर जाके उसको देखें आराम से, तो दैट वुड बी बेटर, डिटेल में आराम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो अब तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर अभी हमने सॉल्व किया था, हमें याद ही थे. तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम N2 के लिए देखें, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता था,
3 और N2 पॉजिटिव में कितना होता है 2.5। N2 बेटा सारे पेयर हैं, सारे पेयर होने का मतलब ये डायमैग्नेटिक है, और N2 पॉजिटिव में सारे पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो अनपेयर तो होगा ना, ये पैरामैग्नेटिक है। तो बेटा N2 से N2 पॉजिटिव में तो बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज, नहीं डिक्रीज हुआ है ना, और यस मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हुआ है पर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ है। अब अगर मैं C2 की बात करूं तो बेटा C2 में कितने हैं, C2 में कितना आ जाएगा? देखो आप नॉर्मली जब आप कैलकुलेट करते हो, अभी मैंने आपको बताया था C2 के लिए जब हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है वो तरीका नहीं करना है, ठीक है? आप डायरेक्टली लगाओ N-8/2। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 12, 12-60 4 4/2 2, तो C2 के लिए 2, ये वो ट्रिक की थी, राइट? तो C2 के लिए 2 आ गया। अब C2 पॉजिटिव के लिए, तो C2 पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन होगी, 11, 11-8 कितने हो गए 3/2 1.5, तो C2 पॉजिटिव का 1.5, तो C2 से C2 पॉजिटिव 2 से 1.5, नहीं डिक्रीज हो रहा है, काम करनी है। NO का कितना है भाई साहब, NO का और NO पॉजिटिव, NO पॉजिटिव तो आपका N2 के बराबर है 3, और NO है 2.5, तो NO 2.5 से जब आप NO पॉजिटिव जा रहे हो तो 2.5 से 3 पे जा रहे हो, तो यस इंक्रीज कर रहा है और आपका मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज होगा, क्योंकि NO में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है पर NO पॉजिटिव में कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो NO पॉजिटिव जो है आपका दिस इज डायमैग्नेटिक और NO इज पैरामैग्नेटिक, राइट? तो ट्रिक याद आ गई, जब 8 से 14 इलेक्ट्रॉन थे तो N-8/2, N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब 15 से 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20-N/2, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस ये ट्रिक आपको लगानी, डायरेक्टली आपके पास बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इज, जल्दी से देखते हैं आंसर आ गया आपके दिमाग में, आई थिंक मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में आ गया। देखिए Na2O2 में जब आप पैरामैग्नेटिक देखोगे ये दो पार्ट में बना हुआ है, Na पॉजिटिव और O2 2 नेगेटिव। बेटा सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक छोड़ दिया 10 हो गए, 10 का मतलब है ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई अनपेयर होता ही नहीं। अगर हम O2 की बात करें तो O2 के पास नॉर्मली दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये हम सबने पढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो और दे दूंगा तो वो पेयर अप हो जाएंगे ना, तो O2 2 नेगेटिव में ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। तो बेटा कैटायन में भी सारे पेयर्ड है, एनायन में भी सारे पेयर्ड हैं, तो ओवरऑल Na2O2 इज डायमैग्नेटिक। ओजोन की बात करें, ओजोन में भी कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस तरह का नहीं है। N2O की बात करो उसमें भी नहीं है, आप स्ट्रक्चर बना के देख लो उसका, लुइस स्ट्रक्चर, लुइस डॉट स्ट्रक्चर। KO2 की बात करें अगर हम, तो KO2 में K पॉजिटिव और O2 1 नेगेटिव। सुपर ऑक्साइड आपको पता ही है, सुपर ऑक्साइड सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। K पॉजिटिव तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में है पर O2 के पास दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा गेन किया तो स्टिल एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह गया, तो उस एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से सुपर ऑक्साइड जहां पर भी होंगे बेटा सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होंगे। बेसिक हमने ये पढ़ा हुआ है थ्योरी में, अच्छे से देखा भी है जो हमने चैप्टर ही पढ़ा था। नेक्स्ट वन, द बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज अप्रॉक्सीमेटली, IIT का क्वेश्चन है ये, प्रीवियस क्वेश्चन भी IIT का ही क्वेश्चन था, ये भी IIT का क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। क्या लग रहा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी? अरे यार इतना सिंपल क्वेश्चन तो गलती हो ही नहीं सकती, 1 हो नहीं सकता, 10 हो नहीं सकता, इतना वीक हो नहीं सकता, 1000 किलो कैलोरी, जूल्स में बात नहीं हो रही, कैलोरीज में बात हो रही है, इतनी हाई तो बॉन्ड एनर्जी नहीं होती है कोवलेंट बॉन्ड्स की, तो ऑब्वियसली आंसर इज 100, रफली 100 किलो कैलोरी पर मोल है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी। तो ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन था, और ये IIT का क्वेश्चन है, ये JEE का नहीं, JEE मेंस का नहीं है, JEE एडवांस का, मतलब IIT का क्वेश्चन है पुराना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलर, ओके तो सिंगल ऑप्शन भी हो सकता है, मोर देन वन ऑप्शन भी हो सकता है, वो आपको देखना है कि क्या होगा इसमें। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, 20 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं मैं, 20 सेकंड के बाद विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस, ठीक है? और इन द 20 सेकंड आपको क्या करना है भाई, जो बच्चे नए जुड़े हैं आपको बताओ कि स्प्रिंट सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, सारे चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बहुत क्विकली, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी कुछ चीजें रिवाइज हो जाए, रिकैप हो जाए। ये नहीं हम कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं यहां पे, क्वेश्चंस के थ्रू बस अपने कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिफ्रेश करने की ट्राई कर रहे हैं, राइट? हर एक वैरायटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक दो दो क्वेश्चन कर लिया जाए, ये कोशिश है हमारी स्प्रिंट सीरीज में। तो मेक श्योर आप सारी क्लासेस अटेंड करें,
पुराने लेक्चर अगर मिस हो गए उनको देखिए जाके, प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएंगे, और शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना है। देखो XEF4 की अगर हम बात करें, पोलर बेटा, XEF4 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सारी की सारी डाइपोल आपस में कैंसिल हो रही है, दो लोन पेयर के आपस में कैंसिल हो जा रही है, और चारों फ्लोरीन के आपस में कैंसिल हो जा रही है, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसकी क्या है, जीरो। SO3 की बात करें, SO3 इज प्लेनर, अगेन सारी डाइपोल मोमेंट मिला के क्या हो जा रही है बेटा, सारी डाइपोल मोमेंट मिला के हो जा रही है जीरो। XEOF4 में, OF4 में जीरो नहीं हो रही है, XEOF4 में क्या हो जाएगा, चार फ्लोरीन तो वैसे ही रहेंगे, बस एक डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर ऐसे आ गए, तो ये डबल बॉन्ड O और लोन पेयर की डाइपोल मोमेंट सेम नहीं होगी आपस में, इसलिए ये नॉन जीरो रहेगी, तो म्यू इज नॉन जीरो। फ्लोरीन फ्लोरीन तो कट गया, पर डबल बॉन्ड O और लोन पेयर आपस में कैंसिल नहीं हुए, तो दिस इज पोलर। ICl4(I) नेगेटिव, अगर हम ICl4(I) नेगेटिव की बात करें बेटा, आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मली, 7, एक और गेन कर लिए तो कितने हो जाएंगे बेटा, 8। ओके, 8 में से 4 क्लोरीन, तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, 5, 6, 7, 8, तो ये भी कुछ वैसा ही हो जाएगा, ये 4 क्लोरीन, मतलब सेंट्रल एटम आयोडीन पे एक नेगेटिव चार्ज उठा के रख लो तो वो जीरोन की तरह काम कर रहा है ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 को उसने 4 क्लोरीन साथ बॉन्ड बना दिया, और बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे उनके 2 लोन पेयर, तो होल के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, तो लोन पेयर आपस में एक दूसरे की डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर रहे हैं, और चारों क्लोरीन एक दूसरे की डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये भी आपका ओवरऑल नॉन पोलर है, राइट? तो सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, चलिए बताइए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने विद वैल्यूज ये दिया हुआ डेटा सारा, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, तो आई थिंक मैक्सिमम बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 जीरो, यार जीरो नहीं है डायपोल मोमेंट, चलिए ब्लैक में सॉल्व करते हैं, NF3 की बात करेंगे तो N का लोन पेयर है और ये 3 फ्लोरीन, अब इसमें दिक्कत क्या है, ये जो तीनों फ्लोरीन है इनका जो डायपोल मोमेंट है वो नीचे की तरफ होगा और लोन पेयर का ऊपर की तरफ होगा, तो नेट डायपोल मोमेंट जो दोनों है ना वो अपोज कर रहे हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ ही है बट कम हो जाता है क्योंकि दोनों डायपोल एक दूसरे को अपोज करते हैं, जीरो नहीं है, डाउनवर्ड है पर कम हो जा रहा है, बट इसी की जगह अगर आप NH3 की बात करें तो NH3 में लोन पेयर भी ऊपर की तरफ आ रहा है और ये जो 3 NH बॉन्ड्स हैं इनका जो डायपोल है ये भी ऊपर की तरफ ही आ रहा है, तो चारों डायपोल वो आपस में ऐड हो रहे हैं, तो अगर आप म्यू रिजल्टेंट देखेंगे तो वो ऊपर की तरफ है और वो बड़ी वैल्यू है, तो डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 जीरो, गलत, डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज लेस देन NH3, हाँ NH3 से कम होता है क्योंकि यहां पर अपोज कर जाते हैं वो, सही है, NF3 का बड़ा है नहीं, NH3 का जीरो है नहीं, तो वैल्यूज के लिए आप डायरेक्टली NCERT बुक देख सकते हो, वहां पर आपको वैल्यूज भी दोनों स्ट्रक्चर्स की डायपोल मोमेंट की वैल्यू दी गई है। नेक्स्ट वन, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड्स, नाउ दैट्स अ गुड क्वेश्चन, तो बेटा 20 सेकंड्स आपको दे रहा हूं मैं, 20 सेकंड में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन में आई थिंक टाइमर लगाना बनता है, राइट? और जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, यस, जल्दबाजी में गलतियां नहीं करनी है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलतियां करते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं जो आके बहुत दुख होता है, क्योंकि जहां पर आप, चलिए +4 तो नहीं, हाँ कई बार बच्चे +4 की जगह -1 ले आते हैं, वो तो बहुत ही दुख होता है कि 5 नंबर का आपको लॉस हो गया, पर कभी कभी जहां पर आप 0 ला सकते हैं तो वहां पर आप -1 ले आते हो जल्दबाजी के चक्कर में, ठीक है, तुक्का लगा दिया, तो वो नहीं करना है, और सबसे बड़ा कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं और आपने जल्दी जल्दी बाद में सॉल्व कर दिया और बाद में पता लगा जहां पर +4 आने थे वहां पर -1 आ गए, तो वो काम नहीं। देखिए जब पोलैरिटी की बात हो रही है तो पोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है बेटा, पोलैरिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे, कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है दो एटम्स के बीच में जिनमें बॉन्ड बन रहा है। यार अगर हम हाइड्रोजन की बात करें ना, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, रफली 2.2 है बेटा, फॉस्फरस की कितनी है, 2.1, ऑलमोस्ट बराबर है, राइट? पर नाइट्रोजन की कितनी है, 3 है, तो मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में काफी डिफरेंस है, तो सबसे पोलर तो
नाइट्रोजन वाला ही होगा, NH3 ही होगा जो सब में आगे ही दिया है। पर आप सोचोगे एन नाइट्रोजन फिर फॉस्फोरस फिर ये सर डाउन द ग्रुप सेम चलना चाहिए, तो NH3 के बाद तो PH3 आना चाहिए। बट बेटा फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में तो ऑलमोस्ट बराबर है वैल्यूज। हाँ, पर जैसे फॉस्फोरस से आप नीचे जाओगे आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी, हाइड्रोजन की तो फिक्स है राइट। तो हाइड्रोजन यहां पे है, हाइड्रोजन यहां पे है ठीक है 2.2 पे, नाइट्रोजन यहां पे था 3.0 पे, फॉस्फोरस भी ऑलमोस्ट यहीं पे है, पर आर्सेनिक और पीछे चला जाएगा, एंटीमनी और पीछे चला जाएगा। तो जैसे यहां जाओगे आप तब ये गैप बढ़ने लगेगा, फॉस्फोरस पे गैप मिनिमम हो गया था, बाद में गैप बढ़ने लगेगा। तो नाइट्रोजन के बाद सबसे बड़ा गैप किसके साथ आ रहा है, एंटीमनी के साथ। तो NH3 के बाद SbH3 फिर आर्सेनिक फिर जाके फॉस्फोरस। तो ये जल्दबाजी में बच्चे यहां पर गलती कर सकते थे जल्दबाजी में, यस। तो ये ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर कि ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स की सारी की सारी प्रॉपर्टीज, रिड्यूसिंग पावर एंड ऑल, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड ऑल, सब कुछ आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग वॉन्डरवॉल फोर्सेज आर मैक्सिमम इन, भाई साहब इन चारों में वॉन्डरवॉल फोर्सेज किसमें मैक्सिमम है, देख के आई थिंक 15 सेकेंड के अंदर आंसर इसका आ जाना चाहिए, नॉट मोर देन 15 सेकेंड्स। तो HBR, LIBR, LICL और AGBR, बेटा वॉन्डरवॉल फोर्सेज बहुत वीक फोर्सेज होती हैं जो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती हैं। तो सरफेस एरिया डिपेंड करता है साइज पे, तो भाई जिसका साइज सबसे बड़ा होगा, ये मैं बोल देना सर LIBR, LICL में तो सर आयनिक इलेक्ट्रोड एंड ऑल, आयनिक बॉन्ड की बात ही नहीं हो रही है, वॉन्डरवॉल फोर्सेज, वीक डिस्पर्जन फोर्सेज, वीक डिस्पर्जन फोर्सेज सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रही हैं। तो सबसे बड़ा साइज या मॉलिक्यूल का किसका होगा, AGBR का, सरफेस एरिया। सिंपल, डोंट गो बाय सर यहां पोलैरिटी बड़ी ज्यादा होगी, आयनिक करेक्ट होगा एंड ऑल, वो क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है राइट, आयन आयन अट्रैक्शन ही पूछ रहे हैं, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ही पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अगर आपको लग रहा है कि सर मोर देन वन में मे बी एच बॉन्डिंग हो सकती है, तो वो आंसर दो जो आपको लग रहा है कि सबसे स्ट्रांग या सबसे अप्रोप्रिएट ये है कि यहां तो पक्का ही होनी है और बहुत अच्छे तरीके से होनी है ठीक है। जब भी यू हैव मोर देन वन ऑप्शन यहां पर लग रहा है कि यार दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों आंसर हो सकते हैं, बट आपको पता है यार ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट ही है, जेई मेन की बात हो रही है, तो गो फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन दैट केस। तो SiH4 और SiF4 में आपको पता है कोई एच बॉन्डिंग का केस ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन शुड बी कनेक्टेड टू या तो ओ या एन या एफ मेनली, है ना, एक एक्टिव हाइड्रोजन आपके पास होनी चाहिए जो यहां पर नहीं है। यहां पर बात करें तो यहां पर भी ऐसी हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड की में तो होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में बड़ा स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड बनता है, तो यस कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगी, अच्छे से होगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वन मोर क्वेश्चन ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चलो जल्दी से बताओ उसको, इसमें क्या करेंगे भाई, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द आंसर इन दिस केस, CH4, H2SE, N2H4 और H2S, क्या लग रहा है अभी जो कंडीशन बताई, CH4 में तो वैसे भी नहीं होती, H2SE में भी नहीं हो सकता, हाइड्रोजन शुड बी एटलीस्ट बॉन्डेड टू ओ एन और एफ, यहां पर नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है, बस सी ऑप्शन में ही पॉसिबिलिटी, और किसी में पॉसिबिलिटी ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइकार्बोनेट आयन जो है वो KHCO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों में, पर दोनों में उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है ठीक है। तो बाइकार्बोनेट का अरेंजमेंट कैसा होता है, डाइमेरिक, पॉलीमेरिक, ट्राइमेरिक, कैसा ठीक है, जल्दी से। ये क्वेश्चन भी हमने जब एस ब्लॉक का रिवीजन किया था तो बेटा आपको मैंने ये पॉइंट बताया था, इनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करके दिखाए थे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आई थिंक मैक्सिमम बच्चों को अब ये याद ही हो गई कि KHCO3 में जो HCO3 नेगेटिव है वो डाइमराइज करता है और सोडियम बाइकार्बोनेट में वो एक लीनियर चेन बनाता है, पॉलीमेरिक चेन। तो ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है बट इट्स अ फैक्ट, इसमें कोई बड़ा दिमाग लगाने वाला काम यहां पर नहीं हो रहा।
Covalent compounds have low melting point because covalent bond is less exothermic. Exothermic मतलब ठीक है, covalent bond उतना strong normally नहीं होता उतना strong. ठीक है, तो वो जब बनेगा तो उतनी ज़्यादा energy release नहीं होगी. ये तो fact हो गया ना, इतनी energy release नहीं होती है. Point है कि क्यों नहीं होती है. They have मतलब less strength. तो जब covalent bond बनेगा तो उतनी energy release नहीं होगी, bond energy उसकी कम होगी. तो less exothermic है ionic के comparison में generally. तो ये बोल देंगे, बट रीजन पूछा गया है, बिकॉज पूछा गया है ना, तो ये ऑप्शन आउट हो गया आपका. कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैव डेफिनेट शेप, तो हमने क्या करना, उसका मेल्टिंग पॉइंट से डेफिनेट शेप का क्या कर लेंगे हम. कोवलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयनिक, दैट्स अ फैक्ट. पॉइंट इज व्हाई कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक वैन डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है भाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अट्रैक्टिव फोर्सेज पर डिपेंड करता है. फोर्सेज अगर वीक होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई कैसे हो सकते हैं, दिमाग लगाओ. तो स्टेटमेंट भी समझना बहुत जरूरी है कि स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या पूछ रही है. नेक्स्ट, नाउ ये क्वेश्चन भाई, दिस क्वेश्चन रियली डिमांड्स के थोड़ा सा टाइम यहां पर दिया जाए. यस yes, और ये थोड़ी सी स्पॉटलाइट भी इसको दी जाए. ठीक है, ये थोड़ा अटेंशन सीकर क्वेश्चन है. तो देखते हैं कि अब इसको पूरा एक मिनट में आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जिनको आता होगा उनको आता होगा, जिनको नहीं आता होगा वो एक कैलकुलेटेड गेस कर सकते हैं. तो उनसे मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको चार ऑप्शन में से बेस्ट टू ऑप्शंस चूज करनी हो तो आप क्या चूज करोगे, और उनमें से फिर आपको किसी एक को टिक करना तो आप क्या करोगे. अगर आपको गेस ही करना है तो व्हाई नॉट मेक अ कैलकुलेटेड गेस. ठीक है ना, ये करना जरूरी है. तो बी हाइड्रेटेड, एसेंशियल टू डाइहाइड्रेट, रेडिली लूजेस वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. मतलब 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे भी सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल लूज किया, दूसरा नहीं किया. तो आई थिंक आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं. फाइन, वन सेकेंड. यस, तो इससे पहले कि घंटी बज जाए, देखिए ऐसा तभी होता है कि जब एक वाटर मॉलिक्यूल बड़ा स्ट्रांगली बॉन्डेड है, दूसरा थोड़ा वीकली बॉन्डेड है. वन वाटर मॉलिक्यूल इज कोऑर्डिनेटेड टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब सीधा टिन के साथ जुड़ा हुआ है, सीधा सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है. ठीक है, और दूसरा एंड द अदर इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू दिस वाटर मॉलिक्यूल. तो ये टिन है, एक वाटर मॉलिक्यूल तो डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल पहले वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब सेंट्रल एटम से नहीं जुड़ा हुआ. तो वो जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है वो आपका, वो वीकली बाउंड है, वो निकल जाएगा अगर आप हीट करेंगे. तो आंसर इसका ए है. स्ट्रक्चर भी देखेंगे अभी इसका. देखिए तो अब इसमें क्या था, अगर आप कैलकुलेटेड गैस की बात भी करिए, सेकंड ऑप्शन में क्या, वन वाटर मॉलिक्यूल इज बॉन्डेड टू एसेंशियल टू बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, एंड अदर इज हेल्ड बाय आयन डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स. आयन डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स कहां से आ गई यहां पे, नहीं है, डजंट मेक सेंस. बोथ द वाटर मॉलिक्यूल्स आर कोऑर्डिनेटेड, अगर दोनों बराबर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं तो फिर दोनों की स्ट्रेंथ बराबर होनी चाहिए. निकलेंगे दोनों, निकलेंगे या तो नहीं निकलेंगे. तो ये सी ऑप्शन तो आप साफ साफ बोल सकते हो कि भाई ये ऑप्शन तो इस डेटा के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा. बोथ द वाटर मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड टू पिरामिडल एसेंशियल टू बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. अगर यहां पर भी दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है तो फिर कैसे निकलेंगे. तो कैलकुलेटेड गैस लेने में भी आपको ए और बी में से 50-50 करना था. ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखते हैं इसका. ये आपका एसेंशियल टू का स्ट्रक्चर है, गैस फेज. ये आपका क्रिस्टलिन है ना, किस तरह से वो इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर में अरेंज हो गए. और ये आपका एसेंशियल टू डाइहाइड्रेट, तो एक ऑक्सीजन तो डायरेक्टली टिन के साथ बॉन्डेड है. ठीक है, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल पहले वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डेड था. तो जब आपने हीट किया तो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल इजीली निकल जाएगा. तो ये आ गया एसेंशियल टू डाइहाइड्रेट का स्ट्रक्चर. तो आई थिंक काफी बच्चों के लिए एक नई लर्निंग होगी, नई चीज सीखने को मिलेगी आपको आज. फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द पेयर्स ऑफ बेसिस इन डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय, ये एग्जांपल तो सबने पढ़ा होता है कि डीएनए में जो बेस पेयर्स हैं उनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ते ही सबसे पहले ये चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई साहब डीएनए जो आपका एग्जिस्टेंस है, डीएनए में बेस के पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. तो बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ द वे इट इज अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, पानी नहीं होता वैसा. राइट, द बॉन्ड दैट डिटरमिन्स द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज
अगेन वही कहानी. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के केस में भी जो रिस्पॉन्सिबल हैं दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओनली. ओके, नेक्स्ट वन, प्योर फॉस्फोरिक एसिड इज वेरी विस्कस. अगेन विस्कोसिटी की बात आ गई, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है मॉलिक्यूल्स के बीच में. तो प्योर फॉस्फोरिक एसिड, तो प्योर मतलब H3PO4. तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है और तीन OH हैं. तीन OH के क्योंकि तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो तीनों हाइड्रोजन H बॉन्डिंग करने में कैपेबल हैं. तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड का विस्कोसिटी से क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है. ट्राई बेसिक है, उसका भी कोई रिलेशन नहीं है. हाइग्रोस्कोपिक है, उसका कोई रिलेशन नहीं है. इट हैज फॉस्फेट ग्रुप्स विच आर बॉन्डेड बाय मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड. ये हाइड्रोजन बॉन्ड आगे भी कनेक्ट करेगा, समझे? तो ये रीजन है, ये तीनों हाइड्रोजन आगे एच बॉन्डिंग कर सकते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल बड़े नजदीक रहेंगे, क्लोज रहेंगे, तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी. सिंपल. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वॉलेटाइल. चलिए यहां पर दिमाग लगाइए 30 सेकेंड इस क्वेश्चन में. हाँ, आई नो के क्वेश्चन टफ नहीं है, बट चलिए 30 सेकेंड इसमें ले लेते हैं, जल्दी से करते हैं इसको. राइट, देखिए वो इंसान कितने देर से भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, एग्जाम्पल के पीछे भाग रहा है. तो ऐसे हम भी भाग रहे हैं अच्छे रैंक के लिए. तो बस थोड़े दिन और रह गए आपकी इस दौड़ के, तो अभी फाइनल फेज में है, तो अभी तो पूरी जान लगाने का टाइम है. अभी बिल्कुल भी ढीला पड़ने का टाइम नहीं है, पूरी जान लगा दो. बिकॉज अभी का ये जो एक महीना आपके पास बचा हुआ है, यही डिसाइड करेगा कि आप क्या परफॉर्म करके आएंगे. पूरे साल का जो आपका एफर्ट था, वो एक महीने में अगर आप उसको पीक पे ले जाते हो तो पीक परफॉर्मेंस आ जाएगी. अगर आपकी पीक 2 महीने पहले आ चुकी थी तो अब आप डिक्लाइन मोड में होंगे. ठीक है, देखिए, तो लीस्ट वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, मतलब इजिली वॉलेटाइल नहीं, और इजिली वेपर नहीं बना रहा, मतलब बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग है. तो आप ये बोलते हो लीस्ट वॉलेटाइल का मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड बड़े स्ट्रॉन्ग हैं. तो भाई साहब, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो सिर्फ HF में ही हो सकती है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. राइट, जो पोलैरिटी है वो भी सबसे ज्यादा है, बाकी में क्या होगा? ठीक है, HCl, HBr, HI में सिर्फ सर्फेस एरिया बढ़ेगा, तो वीक वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ेगी, पर H बॉन्ड और वॉन्डरवॉल फोर्स में कोई कंपेरिजन थोड़ा है. H बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है. राइट, तो उसकी वजह से HF इज लीस्ट वॉलेटाइल अमंग दीज. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. तो फॉल्स स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है भाई? चलिए इसको तो जल्दी से करते हैं. ठीक है, इसमें भी फिर भी आपको इसको 30 सेकेंड फिर से दे रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर आई एम एक्सपेक्टिंग कि बच्चे एक पर्टिकुलर मिस्टेक करेंगे, एंड आई वॉन्ट टू सी कि कितने बच्चे वो मिस्टेक यहां पर एक्चुअली करते हैं. क्वेश्चन सिंपल है. तो देखिए, पहला ऑप्शन देखते हैं. चलो 30 सेकेंड आप ले लो, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं. तब तक लाइक कर दो यार, अब तक कुछ समझ में आया है, कुछ रिवाइज हुआ है तो लाइक करते चला करो और शेयर भी कर दिया करो. ठीक है, चलिए 30 सेकेंड हो गए, अब बात स्टार्ट करते हैं. वॉन्डरवॉल फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स. मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बोला है, आयनिक नहीं बोला. आयनिक बोलता तो क्लास फोर्सेज अलग होती, पर मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें पोलैरिटी अगर है ही नहीं है तो वॉन्डरवॉल फोर्सेज की वजह से ही होगा. राइट, ब्रांचिंग लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. हम ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम होता है और वॉन्डरवॉल फोर्सेज कम होती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. सही है. ग्रेफाइट में वॉन्डरवॉल फोर्सेज एक्ट बिटवीन द कार्बन लेयर्स. हाँ, डिस्टेंस ज्यादा होता है तो वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेज एक्ट करती हैं. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन SbH3. अमोनिया का तो ज्यादा ही होता है ना. राइट, एच बॉन्डिंग होती है अमोनिया में, SbH3, या चारों सही हो गए. नहीं बेटा, यहां पर ये गलत है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज नॉट ग्रेटर देन SbH3. अगर आप NCERT को रेफर करें तो उसमें साफ साफ टेबल में, मैं हमेशा बोलता हूं NCERT के टेबल्स में जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देखो, बॉइलिंग पॉइंट का अगर आप देखेंगे वैल्यूज, अमोनिया का 238 है और SbH3 का 254 है. इवन BiH3 का उससे ज्यादा है, 290. तो ये कैसा पॉइंट था जहां पर मैक्सिमम बच्चा अगर सिर्फ दिमाग लगाए, गेस वर्क करे, तो गलती करने का स्कोप बहुत ही ज्यादा है. तो ये नहीं करना आपको, डेटा पता होना जरूरी है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसके बिना काम नहीं चलता. ठीक है,
चलिए तो डेटा के साथ बेटा एंड करते हैं। तो आप लोगों को जो आप रिवीजन कर रहे हैं, आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएंगे ये नोट्स। तो अनअकैडमी जेई लाइव डेली के नोट्स आपको एक एक लेक्चर पे जाके डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, यूट्यूब से सारे नोट्स आपको एक ही जगह पे मिल रहे हैं, 11th 12th PCM। तो गो टू द tinyurl.com/JEE Mobile और वहां से आप एक ही जगह से सारे नोट्स डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हो। और जो बच्चा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच रहा है, आ जाओ, ठीक है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, जितना अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको यहां पर मिलेगा, जितने अमेजिंग एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, किसी जगह देखा है कभी 60+ एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिल रहा है? सभी की क्लास अटेंड कर सकते हैं। कहां पढ़ना है? घर पे बैठ के लाइव पढ़ना है, उनसे लाइव क्लास है, इंटरेक्ट कर सकते हैं। यस, इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो बेटा लाइव क्लास है, हमारी पूरी टीम अनअकैडमी जेई लाइव डेली की पूरी टीम पढ़ा रही है, और भी बहुत सारे ग्रेट एजुकेटर्स, कोटा के HODs हैं, हाईली एक्सपीरियंस ऑथर्स हैं, फेमस ऑथर्स तक पढ़ा रहे हैं, राइट? तो इंटरेक्ट कर सकते हो, आप चैट के थ्रू इंटरेक्ट कर पा रहे हो। क्लास में क्वेश्चन दिया गया तो क्वेश्चन जब सॉल्व होगा, लाइव पोल कंडक्ट करोगे। मैंने पोल ऑप्शन किया, ABCD ऑप्शन आ गए, आप सॉल्व करके जल्दी से अपने अपने ऑप्शन मार्क करेंगे, तो पूरी क्लास में से कितने परसेंट बच्चों ने ए ऑप्शन मार्क किया, बी किया, सी किया, डी किया, वो डेटा आ जाता है सामने, सबके सामने। और रैंक लिस्ट आ जाती है, एक टॉप कौन रहा, सेकंड कौन रहा, थर्ड कौन रहा। तो आपको अपनी क्लास में रैंकिंग मिल रही है, हर क्लास में आपको रैंकिंग मिल रही है, दैट इज कॉल्ड लीडर बोर्ड। तो आपको बताता है कि आप कितना फास्ट काम कर रहे हो, कितना सही काम कर रहे हो। मे बी 10 बच्चों ने सही ऑप्शन टिक किया था, पर जिसने सबसे फास्ट किया वो सबसे ऊपर आएगा। तो सही सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको टाइम के अंदर अंदर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो बेटा। NTA के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज है, पूरा एनालिसिस है। टेस्ट देने का आपको एनालिसिस मिलता है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया, ओवरऑल टॉपर के रिस्पेक्ट में आपने कितना स्कोर किया। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, कुछ ही समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन है, आ जाओ सेशन में, उसका फोटो लेके आ जाओ, तो क्वेश्चन का फोटो क्लिक कर लो, लाइव क्लास में उसका अपलोड कर दो, उसको वो डिस्कस हो जाएगा। तो ऐसा इतना अच्छा डाउट क्लियरिंग सेशन कहां हो सकता है? आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, फोटो ले लो क्वेश्चन का, ठीक है। यस, एवरी फोर्थ क्लास इज डाउट क्लास। अगर कोई क्लास आप लाइव अटेंड नहीं कर पाए तो आप उसका रिकॉर्डिंग देख सकते हो बाद में। क्या आप 11th के 12th के दोनों के लेक्चर देख सकते हो? यस, कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं, इट इज नॉट अ बैच, कोचिंग का बैच नहीं है, इट्स अ सब्सक्रिप्शन। जितने कोर्सेज सारे देख सकते हो, चाहे 9th का बच्चा सब्सक्रिप्शन ले ले तो 11th के 12th के टॉपर के जितने कोर्सेज चल रहे हैं सबको देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज बेटा JEE मेंस के अलग है, एडवांस के अलग है, 11th 12th टॉपर तीनों के अलग अलग है, राइट? तो करना क्या है, गो टू द प्ले स्टोर और इंस्टॉल करो अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इंस्टॉल करने का जब आप ओपन करेंगे तो प्लस पे क्लिक करना अपनी प्रोफाइल पे, और चूज अ गोल, IIT JEE NEET किसकी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं, देन गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके 1 month से लेकर 2 साल तक का सब्सक्रिप्शन है। अब यार IIT की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 1 साल तो लगता है ना, तो कम से कम जो आपका काम का वो 1 year and 2 year सब्सक्रिप्शन है। 1 year सब्सक्रिप्शन 30,000 का है, 30,000 का, और 2 year है 39,000। तो अभी 2 year का प्राइस ड्रॉप हुआ है, कब तक हुआ है नोबडी नोज, जब तक है तब तक उसको यूटिलाइज कर लो, अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। तो मैं तो बोलूंगा कि 2 year ही लो, अभी जब प्राइस ड्रॉप हुआ है, और 39,000 पे भी आप कोड अप्लाई करेंगे जब पेमेंट से पहले बेटा PT Live, तो आपको 10% डिस्काउंट एडिशनल मिल जाएगा। तो 1 year सब्सक्रिप्शन आपको 27,000 का पड़ रहा है, 2 year 35,000, दैट इज रफली 1600 रुपए। 1600 रुपए कितना? पर मंथ। IIT की कोचिंग टॉप एजुकेटर से 1600 रुपए पर मंथ में घर बैठ के, जाने आने का आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, पैसे वेस्ट नहीं होते, राइट? तो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड PT Live और शेयर दिस लेक्चर राइट नाउ एवरीवेयर विद द हैशटैग JEE Live Daily, और नोट्स आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे, ठीक है। एंड साथ में अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो आर ऑफिशियल पेज अनअकैडमी JEE का ऑफिशियल पेज @AnacademyJEE Official, इसको जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग टिप्स, मोटिवेशन सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए गाइस, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर दिस लवली अटेंडेंस, सी यू टुमारो, और जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लो। ओके देन, बाय।